हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपाल। टेकपाल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा नया वीडियोस है सर्वर 2016 के ऊपर। हम लोग तो सर्वर 2016 के जितने भी फीचर्स है सबको कवर करेंगे। तो ये एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं वीडियोस का, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। DNS, DHCP एंड FTP सर्वर एंड ऑल द थिंग, WNS करके जितनी भी डिटेल्स है सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए, पहला हम लोग का आज का वीडियो है हाउ टू क्रिएट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में डोमेन कैसे बनाते हैं उसके बारे में है। तो चलिए, प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग सीखते हैं। तो जैसे कि मैं मेरे सिस्टम के VMware पे आ गया हूँ, मेरे सिस्टम में VMware इंस्टॉल किया है मैंने, और आपको ये सर्वर दिख रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। ये सर्वर का मैं एडमिन का पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको लॉगिन कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने VMware पे एक सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, ये लॉगिन हो रहा है। और इसका जो पासवर्ड है वो जनरली आप एडमिन का पासवर्ड जो कॉन्फिडेंशियल होता है वो आप रख सकते हैं। और इसको कैसे हम लोग इसके अंदर फॉरेस्ट बनाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर डोमेन बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ। और प्रैक्टिकली आपको देखेंगे ये कंपनी में आप जाके काम करेंगे तो क्या क्या चीजें वहां होती है, क्या क्या वर्क इन्वायरमेंट होता है, आपको सब इसमें मिलेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ फॉरेस्ट कैसे और फॉरेस्ट के अंदर डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं और DNS का IP कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बनाते हैं। तो जैसे कि देखिए, मैंने लॉगिन किया है, ये सिस्टम थोड़ा स्लो है। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेरा सर्वर ऑन हो गया है। तो सबसे पहले सर्वर 2016 या कोई भी सर्वर में आपको एक, अगर आपने एक सर्वर स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको इसमें DNS का IP डालना पड़ता है। DNS का IP मतलब एक IP डालना पड़ेगा, सर्वर को एक IP असाइन करना पड़ेगा। वो IP होता है DNS, मतलब कोई सर्वर पे अगर आप IP असाइन करते हो तो वो DNS का IP आपको बन जाएगा। तो इससे पहले आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन को प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसा कि आपको पता है ये मेरा लैब मशीन है, तो इसको मैं एक IP दे देता हूँ 192.168.50.1। मेरा सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट ले लिया। गेटवे मतलब राउटर का IP, तो राउटर का IP अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, या बाय डिफॉल्ट चलो मैं अज्यूम करता हूँ मेरा राउटर का IP ये होगा। मेरे पास कोई राउटर नहीं है राइट नाउ, फिर भी 250 जो गेटवे होगा आपको पता होना चाहिए, जो राउटर या गेटवे का IP वही सबनेट में होता है, तो सबनेट अलग नहीं होगा। अगर आप फायरवॉल लगाया तो आपने फायरवॉल पे वो सबनेट का जो आपको स्टैटिक IP या पब्लिक IP मिलता है उसके थ्रू आप आपका खुद का प्राइवेट IP बना सकते हो। तो DNS IP है, जो DNS मेरा जो इसका PC का IP है वही DNS IP होगा। इट मीन्स ये मेरा DNS का IP बना रहा हूँ मैं, सॉरी ये गलत हो गया, 50.1। और अल्टरनेट DNS तो आप छोड़ दीजिए, उसको कुछ जरूरत नहीं करने का। इसको ओके किया एंड क्लोज किया, सो आइडेंटिफाई कर रहा है ये। सो आपको ये दिख रहा है मेरा सर्वर 2016, इसके अंदर हम लोग ने IP डाल दिया, मतलब DNS को IP इंस्टॉल कर दिया। अब इसको हम लोग एक फीचर्स मतलब एक फॉरेस्ट में इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एड रोल्स एंड फीचर्स के ऊपर, जो कि आपको सर्वर का जो सर्वर मैनेजर है उसमें मिल जाएगा। हम लोग ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। इसमें आपको देखिए ये सेलेक्ट करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, वो सेलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट किया हुआ है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए आपको बाय डिफॉल्ट जो IP है 192.168.174.132, ये मेरा VMware का एक IP बता रहा है जो मैंने 192.168.174.132 दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये हम लोग सर्वर, हम लोग ने DNS का IP डाला तो हम लोग को सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बिना रिस्टार्ट किए वो IP लेगा नहीं। तो एक बार हम लोग सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, फॉर द टाइमिंग मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे का देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको पासवर्ड डालूंगा सिस्टम को, जो कि मेरा एडमिन का पासवर्ड है, एडमिन का पासवर्ड मैंने डाल दिया। ये देखिए लोडिंग हो रहा है सिस्टम। तो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने एक सर्वर को इंस्टॉल किया, सर्वर के अंदर हम लोग ने IP डाला, सर्वर को IP असाइन किया, उसका DNS IP डाला। इट मीन्स ये मेरा राइट नाउ DNS सर्वर इंस्टॉल्ड हो चुका है सिस्टम पे। उसके बाद मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट किया,
रिस्टार्ट करने का जब मैं एडी डाल रहा था तो वो देखिए बाय डिफॉल्ट वो VMware के थ्रू आईपी ले रहा था, बट अभी देखिए मैं वापस से सर्वर मैनेजर में जाके अगेन इसको ADS का एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर इंस्टॉल करूंगा ना, तो मेरे को आईपी जो मैंने डाला था 192.168.50.1 वही आईपी दिखाएगा। देखिए सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है, सर्वर मैनेजर थोड़ा सिस्टम स्लो है बिकॉज आपको पता होगा सर हम लोग तो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जनरली जो सर्वर होता है उसके अंदर 16 GB 32 GB का एटलीस्ट रैम होना चाहिए, मैंने इसको 2 GB का रैम असाइन किया हुआ है तो सिस्टम थोड़ा स्लो होगा। सो आज का हमारा फीचर है कि हम लोग ने एक सर्वर को इंस्टॉल किया और हम लोग ने DNS का IP डाला, DNS का सर्विसेज इंस्टॉल किया, एंड अदर थिंग इज एक्टिव डायरेक्टरी का हम लोग सर्विस डाल के एक फॉरेस्ट बनाएंगे बिकॉज हमारे पास अभी कोई सर्वर कोई डोमेन नहीं है तो हम लोग एक नया फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए आपको जैसे दिख रहा है ऐड ए सर्वर एंड मैनेजर आ गया। अब मैं अगेन इसको ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, सर्वर मैनेजर कलेक्टिंग इन्वेंटरी डेटा, रिजल्ट विल अवेलेबल टाइम टेक्स टाइम, थोड़ा ये बूट होने में टाइम लगेगा। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया 2 GB रैम की वजह से सिस्टम मेरा स्लो है, ये मैं VMware पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, बट जनरली किसी भी कंपनी में आप अगर काम करते हैं तो आपको इस तरीके से ही सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, जैसे कि DNS मैंने डाला, DHCP डालेंगे हम लोग, उसके बाद हमारा जो अलग जो ये प्लेलिस्ट में क्या क्या आने वाला है, FTP सर्वर आएगा, iSCSI टारगेट सर्वर आएगा, फिर मैं आपको FSR नाम रोल के बारे में बताऊंगा, मैं WDS के बारे में बताऊंगा, मैं फिर ग्रुप पॉलिसी का हम लोग पूरा कवर करेंगे। इट मीन जितना भी सर्वर्स का होता है, सर्वर 2016 2019 जो अभी लेटेस्ट चला है माइक्रोसॉफ्ट का, जितने भी इसमें फीचर्स होते हैं हम लोग सब इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। तो जैसे कि अब मैंने क्लिक किया है ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, देखिए अब ये नेक्स्ट करने के लिए पूछ रहा है और ये रोल बेस्ड फीचर्स बेस्ड इंस्टॉलेशन के ऊपर जाके अगेन नेक्स्ट करेंगे। देखिए अभी ये आईपी आ गया, देखिए मैंने आपको बोला था 192.168.50.1 जो कि मैंने DNS का आईपी डाला था, सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था इस वजह से ये एरर आ रहा था। देन अगेन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ मुझे इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ये आपको दिख रहा होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पे टिक पे क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अगेन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाता है, उसके बाद फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए क्या क्या ये इंस्टॉल करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस करेगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इंस्टॉल करेगा, रिमोट सर्वर इंस्टॉलेशन टूल्स करेगा, रोल एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स करेगा, ADDS एंड टूल्स करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी मॉडल फॉर विंडोज पावर सेल के द्वारा भी कर सकते हो वो भी करेगा, ADDS टूल्स करेगा और ये इतनी चीज़ें कमांड लाइन ये सब इंस्टॉल करेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मीनवाइल मैं वीडियोस को अगेन पॉज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। देखिए ये फीचर्स इंस्टॉलेशन हो गया है, तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अभी ये मेरे को बोल रहा है प्रमोट करने के लिए, प्रमोट प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, मतलब हम लोग को एक नया फॉरेस्ट बनाना है। सो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन और अदर्स है ऐड अ न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो राइट नाउ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास फॉरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो मेरे फॉरेस्ट का, तो हम लोग को एक नया एड ए न्यू फॉरेस्ट, एक डोमेन कंट्रोल बनाने के लिए आपको फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो रूट डोमेन नेम, तो रूट डोमेन नेम जैसे जो भी कंपनी होगी आप कंपनी का नाम डाल सकते हो, तो मैं techpal.local.com डालता हूँ, techpal.local.com। लोकल मैंने इसलिए डाल दिया है कि techpal नाम से अगर मे बी बहुत सारी मे बी इन पब्लिक डोमेन पर अगर मेरे को मेरा DNS मेरे को अगर पब्लिकली डालना पड़ा तो techpal नाम से ऑलरेडी कोई रहेगा, इसलिए मैंने techpal.local.com डाल दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको। सो देखिए डिप्लॉयमेंट कर रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स फंक्शन लेवल्स। सो ये किस लिए होता है कि आपके डोमेन एनवायरमेंट में कितने सर्वर्स है, मेंबर सर्वर्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी एक्सचेंज सर्वर कौन से ओएस पे चल रहे हैं। तो विंडोज सर्वर 2012 R2 का भी ऑप्शन है, 2008 का भी फंक्शन लेवल भी आप कर सकते हैं, बट राइट नाउ हमारे पास कोई पुराना सर्वर नहीं है, हम लोग एक सर्वर है, तो ये हम लोग 16 रखेंगे और डोमेन नेम सिस्टम ग्लोबल कैटलॉग है और इसमें देखिए आपको ये आपका एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है, तो एडमिन का पासवर्ड डाल के एडमिन का पासवर्ड वही डालेंगे जो आपको सिस्टम पे इनिशियली दिया हुआ है।
पासवर्ड परफेक्ट लिया नहीं है। ये भी कुछ रॉन्ग है, ऊपर वाला पासवर्ड मैं चेक कर लेता हूँ। ये पासवर्ड कंफर्म हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, अ डेलीगेशन फॉर दिस डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज अथॉरिटी पेरेंट जोन। सो इसमें क्रिएटेड डीएनएस डेलीगेशन की जरूरत नहीं, अभी हम लोग बाद में देखेंगे इसको, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये रूट नेट बायस डोमेन नेम को वेरीफाई कर रहा है, नेट बायस नेम जो होता है, देखिए टेकपाल, एक्चुअली हमारा जो नेट बायस नेम है वो टेकपाल ही है। So, इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए डेटाबेस फोल्डर सिस्टम विंडोज एनटीडीएस, ये इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आपको बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में ये पूछा जाता है कि डेटाबेस का जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम कौन से फोल्डर्स में सेव होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे आप, और ये चीजें है, देखिए स्क्रिप्ट है, ये व्यू स्क्रिप्ट करके ना इसका डेटा आप कॉपी करके ना आप पावर सेल में भी, विंडोज पावर सेल स्क्रिप्ट के द्वारा भी इसको रन कर सकते हैं। तो हम लोग ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से देख रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगेन हम लोग नेक्स्ट करते हैं। प्री रिक्वेस्ट चेक कर रहा है, ये टोटल्स वेरीफाइंग करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि अगर इसमें कुछ एरर होगा तो आपको एरर दिखाएगा, अदरवाइज वेरीफाई करके बोलेगा क्लिक इंस्टॉल द सर्वर। देखिए क्या ऑल प्रीक्विजर्स चेक पास सक्सेसफुली क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन, तो हम लोग क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया। सो ये मेरा ये चीज होने के बाद सिस्टम मेरा एक बार साइन आउट होगा, एक बार रिबूट होगा, उसके बाद मेरा ये डोमेन में मेरा जो सर्वर है सर्वर 2016 ये techpal.com के डोमेन में चला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ये हम लोग फॉरेस्ट क्रिएट कर दिए, मतलब डोमेन हम लोग ने इसमें इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हम लोग जो मेरा नया वीडियोज रहेगा तो उसके अंदर हम लोग एक क्लाइंट पीसी इंस्टॉल करके डोमेन से कनेक्ट करेंगे विद द सेम नेटवर्क सेम सबनेट में, और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी, फिर हम लोग एफटीपी सर्वर, फिर डीएससीपी सर्वर डाल के उसको हम लोग पहला सबसे पहला ये हमारा डीएनएस इंस्टॉल हो गया और हम लोग ने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डीएससीपी का होगा, हम लोग इसमें डायनेमिक डीएससीपी सर्वर इंस्टॉल करेंगे ये सेम सर्वर में, और उसके बाद हम लोग क्लाइंट पीसी रहेगा, क्लाइंट पीसी से हम लोग डीएससीपी सर्वर को हम लोग आईपी असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, देखिए ये दिखा रहा है क्रिएटिंग डायरेक्टरी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन डीसी डोमेन कंट्रोलर टैगपाल डीसी लोकल पीसी .79 ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, ये पूरा क्रिएटिंग डायरेक्टरी सब कुछ कर रहा है। सो मैं जैसा कि बोला कि नेटवर्क अपना थोड़ा सर्वर का जो स्पेस की उस थोड़ा स्लोनेस हो रहा है, अदरवाइज फास्ट हो जाता है। हम लोग वीडियो को पॉज करके देखते हैं, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, ये साइन आउट के लिए पूछ रहा है, देयर वाज सक्सेसफुली, अब क्लोज करके ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाएगा। साइन आउट होके आपको बताएगा कि डायरेक्टली डोमेन में, मतलब जो महाजन है ये अपना इसको हम लोग अपने आप रिस्टार्टिंग में चला जाए। सो अभी ये हमारा techpal.com के डोमेन में सिस्टम पहुंच चुका है। देखिए सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो चुका है। सो मैं अभी क्लिक करता हूँ इस पर, कंट्रोल और डिलीट मैंने क्लिक किया है, देखिए मेरे को दिखा रहा है techpal/administrator, इट मीन्स ये सिस्टम के अंदर एक्टिव डायरेक्टरीज डोमेन सर्विसेज सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है, और ये सिस्टम अभी मेरा जो सर्वर है ये डोमेन बेस्ड सर्वर बन चुका है। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया लॉगिन पे, सिस्टम पे मैंने क्लिक किया है लॉगिन पासवर्ड डाल के, अभी देखिए लॉगिन हो रहा है, ये हो चुका है, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि ये अभी डोमेन एनवायरनमेंट में है कि नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग ये सर्वर पे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग प्लेलिस्ट डीएससीपी सर्वर डालेंगे और एक क्लाइंट सर्वर को हम लोग डीएससीपी से आईपी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि अभी देख लेते हैं,
देखिए ये मेरा सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है। और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर आप आईडी क्रिएशन कर सकते हैं यूजर का, आपका ओयू बना सकते हैं, आपका ग्रुप बना सकते हैं, सिक्योरिटी, ये सब चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सो अभी तो पहले हम लोग देख लेते हैं सर्वर के डैशबोर्ड में। जैसे कि आपने टूल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखिए डीएनएस दिख रहा है, उसके अंदर आपको ग्रुप पॉलिसी दिख रहा है क्योंकि मैंने बोला डीएनएस सर्विस भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए इधर दिख रहा है डीएनएस भी आ गया है डैशबोर्ड के ऊपर से, और ये लोकल सर्वर पे क्लिक किया है मैंने, इसका डिटेल दिख रहा है। देखिए ये कंप्यूटर नेम है win.tdd.rctc की, आप चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर नेम, मैंने अपने हमें राइट नाउ रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेरा जो डोमेन है techpol.local.com, ये डोमेन आ गया है। और इसका जो आईपी है डीएनएस का आईपी है 192.168.IP6 इनेबल, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ कंसर्न इस वीडियो में यही था कि मैं आपको एक डोमेन, एक फॉरेस्ट क्रिएट करके दिखाऊं, एक डोमेन बना के दिखाऊं एक सिस्टम में सर्वर 2016 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसमें डीएसपी इंस्टॉल करेंगे और हम लोग क्लाइंट पीसी पे डीएसपी कैसे वर्क करता है ये आपको। तो थैंक यू सो मच, वीडियोस पसंद आया तो टेक्निकल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। हम ऐसे टेक्निकल वीडियोस सबके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।